एमजी इंटर कॉलेज के परिसर में श्रुति पांडे ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो बेकार पड़े भूसे से बनाया गया है, जिसका मंगलवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने भौतिक निरीक्षण किया तथा उसके खूबियों से रूबरू हुए। गौरतलब है कि बीटेक की छात्रा श्रुति पांडे ने अपने हुनर का उपयोग करते हुए खेतों में बेकार पड़े हुए भूसे से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 380 वर्ग मीटर में निर्मित इस मकान में 3 कमरे दिखाए गए हैं, जिसका डीएम ने अवलोकन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। छत इसकी छत भी उसी का है। हाँ क्या बैठ रही थी इसका यार नहीं कास्ट इस पे 800 रुपीज 800 रुपीज स्क्वायर फीट, मतलब ये 30 स्क्वायर फीट का होगा। 350 हाँ सही है, 350 स्क्वायर फीट जी। प्रधानमंत्री आवास के 2,40,000 आवास है प्रधानमंत्री आवास अगर ठीक है ये है बेसिकली 3,00,000। वो लड़की से मैं बताया था जो बिल्डिंग वो उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए वो आ जाएगा, हम प्रधानमंत्री आवास भी चालू कर देंगे। बिल्डिंग काउंसिल होता है ना, बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी से प्रमाण पत्र ला वो मिल चुकी है हमसे बार बार। हाँ सर शाहपुर भी बना है, हाँ एक विद्यालय है उसकी बिल्डिंग बनाया है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट सर यह है कि हमारा जो वेस्ट ये है ये फायर रेसिस्टेंट है, इसमें अगर बिल्डिंग मशीन लगा दिया जाए गैस नहीं ऊपर वो 28 टन के प्रेशर से उसको प्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन जीरो हो जाता। अच्छा इसको अगर कोई क्या है कि इसमें कांटे ठोक रहे हैं या जैसे ईंटे की दीवार है ना तो लोग खोद देते हैं, लेकिन इसमें तो वो जब काटता था मशीन से तो उसमें से आग निकलती है, वो इतना मजबूत था। ये बनने में कितने दिन लगा? बस एक महीना 8 दिन से, जबकि उस समय बरसात का समय था, बीच में एक दो दिन काम भी नहीं था। नहीं ये कहाँ से बनता है या कहाँ से मिलता है? सर ये तो पहले मंगाया गया विदेश से, इम्पोर्ट हुआ था। बच्ची बात अब क्योंकि एक MOU तो साइन हो गया था ना किसी कंपनी से, कहीं बाहर चली गई क्या? नहीं नहीं वो उसका एक इंटरव्यू है 2:30 बजे। श्रुति पांडे करके एक लड़की है, श्रुति पांडे यहाँ गोरखपुर गई है, उन्हीं का एक पहल है ये जो भूसा से एक स्ट्रक्चर खड़ी की है बिल्डिंग का, एक इको स्ट्रक्चर करके इसका नाम भी दिए हैं। इनका इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सिग्नेचर भी हो गया है जो उसका निवेश आने के लिए, एक अच्छा पहल है ताकि जो भूसा जो बचता है उसी से आवास कैसे बन सकता है। ये आवास बहुत मजबूत भी है और इस पर फायर रेसिस्टेंट भी है, ये बस ये एक बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी था, वो आ जाएगा तो हम प्रधानमंत्री आवास भी इसी सीरीज से हम चालू कर सकते हैं उस पर उसी पहल पे। हाँ वो भी है, हाँ बुकिंग रो ये और दोबारा ये रीफैब्रिकेटेड है, यानी जो मान लीजिए एक बार तो हट जाता है दोबारा भी उसको करा सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल भी है, ये बहुत सारे फायदा है उसका। बस एक ही चीज़ से बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी है, वो आ जाएगा हम लोग तो फिर नया सीरीज से पूरा प्रधानमंत्री आवास से चालू कर सकते हैं।